आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी चाबी है जो कि ऐसे खुलती है और इसमें आपको टॉर्च भी मिलती है। और ये चाबी है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है TVS iQube S। तो चलिए इस चाबी को लगाते हैं और आपको इस स्कूटर के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो यहाँ पर लगेगी ये चाबी और अब ये ऑन हो गया TVS iQube। ये TVS iQube का S मॉडल है। इसमें एक बेस मॉडल आता है जो कि TVS iQube है और इनका एक अपकमिंग मॉडल है जो कि TVS iQube ST है। तो आज मैं आपको TVS iQube S के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसके मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्कूटर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और ख़ास करके आप यहाँ पर देखेंगे TVS इलेक्ट्रिक, यहाँ पर एक ब्लू लाइट जल रही है, यहाँ पर TVS 3D में लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक जो है इसमें जब आप रात में चलाएंगे ब्लू लाइट तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे iQube 3D से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक और यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर S और यहाँ पर ये चाबी के लिए दिया हुआ है। पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर क्यू की ब्रांडिंग है, क्यू पार्क असिस्ट भी इसमें आपको मिलता है और ये बड़ा सा लोगो उसमें दिया गया है। और बैकलाइट आप देखेंगे भाई, LED बैकलाइट इसमें आपको मिलती है, LED इंडिकेटर मिलते हैं जो कि भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। TVS इसमें 3D में लिखा हुआ है और यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूँ और ये हज़ार लाइट की स्विच भी इसमें आपको मिलती है। और अब आप पीछे से इसका डिज़ाइन देख सकते हैं तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो एक फ्यूचरिस्टिक इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है और रोबोटिक लुक के साथ आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसमें आपको DRL मिलता है, स्मार्ट कनेक्ट का सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, TVS इसमें 3D में लिखा हुआ है और आगे से आपको ड्यूल टोन कलर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर इसमें आपको LED लाइट मिलती है, LED इंडिकेटर मिलते हैं और इधर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एक यूनिक मॉडल लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ब्रांडिंग इसमें आपको की मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे डायमंड कट एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे भाई ज़रा 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिससे चलने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसी कलर में ही, बॉडी कलर में ही आपको साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हैंडल बार एंड जो है वो इसमें आपको क्रोम में मिलता है, ये भी क्रोम में एल्युमिनियम वाला मिलता है और यहाँ से ये ब्रेक को लॉक करने के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हैंड डिस्क ब्रेक है और ये भी आपको क्रोम में मिलता है। तो प्रीमियम दिखने के लिए इस स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। और अब मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ TVS iQube S सेकेंड टॉप मॉडल को और मैं ज़रा आपको लेफ़्ट साइड से दिखा दूँ, उसके बाद फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है लेफ़्ट साइड से, पूरा इसमें पीछे से कवर किया हुआ है जिससे ये प्रीमियम लगे। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इसमें कवर किया गया है और इसके सस्पेंशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर फुटरेस्ट को आप देखेंगे, ये देखिए कितना आसानी से ये जा रहा है, लॉक हो रहा है, तो मतलब काफ़ी यूनिक इसको बनाया गया है फुटरेस्ट को भी। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, इधर ड्यूल सस्पेंशन मिलते हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, BLDC हब मोटर मिलती है जिस पर डायमंड कट के निशान इस पर लगाए गए हैं जिससे ये भी आपको एक यूनिक और प्रीमियम डिज़ाइन मिले। और ब्रेक लगाने पर ये लाइट आपको ऑन मिलेगी। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो S मॉडल है और ये S मॉडल और जो बेस मॉडल में सिर्फ इसके मीटर में अंतर दिया गया है। इसमें आपको 7 इंच का फुली डिजिटल मीटर मिलता है और इसमें आपको जॉयस्टिक भी मिल जाती है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये मोड है और ये पार्किंग का है और यहाँ पर ये हजार्ड लाइट की स्विच है, हाई बीम लो बीम, और ये आपको मिल जाती है और ये आपको हॉर्न मिल जाता है, जॉयस्टिक मिल जाती है, नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। और इसके अलावा यहाँ पर चाबी में आपने देखा कि आपको टॉर्च मिलती है। अब मैं इसको ऑन करूँगा और अब आप देखेंगे TVS iQube वेलकम। अब यहाँ पर ये बता रहा है, आपको ध्यान देना है, प्रेस मोड स्विच प्लस ब्रेक टू स्टार्ट राइडिंग, प्रेस मोड, यहाँ पर मोड और ब्रेक को दबाना है और ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जैसे कॉल, SMS, ब्लूटूथ नेटवर्क सब कुछ इसमें आपको मिलेगा और रेडी टू पेयर। अब जैसे मगर जैसे इसका इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा तो वो मैं पेयर कर पाऊँगा और यहाँ पर आपकी बैटरी का स्टेटस भी दिखाएगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी 86 किलोमीटर, मोड लगा है ईको, यहाँ पर आप देखेंगे ईको। और जैसे ही मैं इसके मोड को यहाँ से चेंज करूँगा
ये पावर मोड हो गया, तो अभी डी टी ई मतलब 57 किलोमीटर दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब अभी इनकी बैटरी है 60% चार्ज और ये चलेगा 57 किलोमीटर। अगर आप पावर मोड में जहां पर आपको लगभग 80 की टॉप स्पीड मिलेगी तो उस समय आप ये 57 किलोमीटर चलेगा। जैसे ही आप इसको इको मोड में चलाएंगे लगभग आपको टॉप स्पीड मिलेगी 50 की और ये स्कूटर जाएगा 86। अगर मैं रेंज की बात करूँ इस स्कूटर के तो ट्रू रेंज आपको मिलेगी लगभग 100 किलोमीटर की अगर आप इको मोड में चलाएंगे, और अगर आप जैसे इसको पावर मोड में चलाएंगे तो आपको रेंज मिलेगी लगभग 80 की। अब थोड़ा सा मीटर में और डिटेल से, जैसे यहाँ पर जो जॉयस्टिक है अगर आप लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे तो समझ लीजिए उसको आप बैक कर रहे हैं, और यहाँ से बीच में दबाएंगे तो समझ लीजिए इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ और ये आ गया मेनू। अब यहाँ पर मेनू आ गया, जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, माय व्हीकल, प्राइवेसी और प्रोफाइल। अब यहाँ पर जनरल सेटिंग में आप जाएंगे तो ब्लूटूथ सेटिंग, माय व्हीकल, प्राइवेसी, अरे यार जनरल सेटिंग में जाते हैं पहले, ये जनरल सेटिंग। अब यहाँ पर डेट आप सेट कर सकते हैं, टाइम, डिस्प्ले सेटिंग और साउंड सेटिंग। अब मान लीजिए आप डिस्प्ले में जाते हैं, ये ब्राइटनेस और डिस्प्ले मोड आप ये कर सकते हैं भाई। तो अभी ब्लूटूथ सेटिंग, और अब मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आप इसमें प्रोफाइल में जाते हैं और आप इसको एक बार प्रेस करते हैं और आप यहाँ पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो वोटो इसमें लगा सकते हैं। तो ये भैया सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। मैं बैक कर देता हूँ और इसमें जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे माई व्हीकल में जाएंगे, सर्विस, अगर कोई एरर होगा तो इसमें मिल जाएगा, और डिजिटल डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रिप मीटर है ये, तो इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि जो इसमें इस बार डिस्प्ले दिया गया है उसकी कलर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा यूनिक और प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि ब्रांडिंग इसमें की गई है। तो देखने में जो ये बड़ा सा है, जब आप इसको राइड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। अब मैं ज़रा इसकी भाई सीट खोल के दिखाता हूँ, आप इधर से देख सकते हैं। ये यहाँ पर सीट खुल गई और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, और इतना ही स्पेस इसमें आपको मिलता है। इसको कर देते हैं बंद और एक बार मैं इस चाबी को लगाता हूँ यहाँ पर। और हाँ, ये आपको रिवर्स मोड इसमें आपको मिल जाता है, जब आपको इसको बैक करना होगा तो आपको रिवर्स मोड इसमें मिलेगा। ज़रा मैं एक बार बंद करता हूँ, एक बार ऑन करता हूँ। अभी ये वेलकम स्क्रीन आ चुकी है और अभी ये सब कुछ आपको बताता है, ब्रेक दबाना है और एक्सेलरेट नहीं करना है। ये खुल चुका है भाई, और अभी आप आगे देखेंगे, ये है एक रोबोटिक लुक के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर। और अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें 4.4 वाट की BLDC हब मोटर आपको मिल जाती है, IP67 से प्रमाणित है ये। और इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी है जो कि 3.04 किलोवाट की इसमें आपको मिल जाती है, IP67 से प्रमाणित है। और BMS कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और TFT 7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 800x400 की इसका रेजुलेशन है। और भैया और क्या है देखना पड़ेगा मुझे। और 5-bay इसमें आपको जॉयस्टिक मिल जाती है, और इसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और 0 से 40 पहुंचने में ये स्कूटर मात्र 4.2 सेकंड ही लगाता है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है, और इसमें अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो 4 घंटे 30 मिनट में ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा, अगर आप लेंगे 650 वाट का चार्जर। और अगर आप इसको 2 घंटे 50 मिनट में चार्ज करना चाहते हैं तो 950 वाट का आपको चार्जर लेना पड़ेगा, तो जिससे आपका स्कूटर फास्ट चार्ज हो जाएगा। और मैंने आपको स्पेक्स भी बता दिए, और मैंने आपको ये बताया कि भाई कितना किलोमीटर चलेगा। अब बाकी है बात प्राइस की, अगर आप इनका ये सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, यहाँ से इसमें चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है, यहाँ से आप इसको चार्ज पर लगाएंगे, यहाँ पर आप 3 किलो का कोई भी सामान टांग सकते हैं। अगर आप इसको लेते हैं रफ्तार TVS स्टेशन रोड
लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको मिलेगा लगभग, यहाँ पर मैं लगभग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आप एक महीने बाद दो महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्राइस घटती बढ़ती रहती है। इसके अलावा आप कौन सी एसेसरीज लगवाते हैं ये सारी चीज़ें कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं लगभग ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ 147,566 रुपये। बाकी आपको रफ्तार TVS पर आने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर आप TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। ये स्टेशन रोड हुसैनगंज के पास शोरूम है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, एक चीज़ और रह गई है, ये भी आप देख लें, साइड स्टैंड कट ऑफ इसमें आपको स्विच मिल जाता है। और बाकी मोटर आप देख सकते हैं सब। अब मैं अगर आपको एकदम सरल भाषा में बताऊं, ये सारी चीज़ें वाटर प्रूफ हैं, जब आप चलाएंगे तो धूल और पानी से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस सस्पेंशन को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें ये रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर भी एक ग्रिप लगी हुई है जिससे आप इसको पकड़कर चला सकते हैं, मतलब खड़ी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रीमियम स्कूटर, और जो नीचे से लाइट ये जल रही है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट करके आप इसमें और भी फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कूटर आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और इसकी बुकिंग के लिए आप TVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, फिर उसके बाद आपको इनका वेटिंग टाइम और सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।